हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये अपडेट है बीएसएससी सीजीएल 3 के नोटिफिकेशन को लेके, जो मुझे अभी जस्ट पता चला आधे एक घंटे पहले। तो मैं सोचा कि इसे एक नोटिफिकेशन के थ्रू दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, लगभग इस दिसंबर के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा किसी भी हाल में, और नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में सारा चीज़ क्लियर हो चुका है और बहुत ही जल्दी लगभग 3000 के आसपास में पोस्ट देखने को मिल सकता है। उससे बड़ी अपडेट मैं बताने वाला हूँ बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस को लेके। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से मैं एक साइंटिफिक वे में आपको बताने वाला हूँ कि आपका एडमिट कार्ड आज शाम को जारी होगा या नहीं होगा या स्थगित कर दिया जाएगा। 63,749 लड़कों के भविष्य की बात है जो पिछले 7 साल से चले आ रहा है। तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पल पल की ऑथेंटिक मिलते रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल 3 का नोटिफिकेशन। मैं आपको बता ही दिया कि आप लोग बस अपनी तैयारी में पेश लाएँ और वेट ज़्यादा नहीं करना, बस 20 दिन रुक जाइए, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट में मिल जाएगा 3000 पोस्ट देखने को। दूसरा बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस को। कल बिहार एसएससी ने एक बहुत बड़ा उलटफेर किया। पहले वो लोग डालते हैं कि स्थगित हो गया, फिर कुछ जस्टिफिकेशन मिला ऑनरेबल हाईकोर्ट से, तो शायद उनको लगा कि नहीं मे बी कहीं ये एग्ज़ाम आपका हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी उवाफो की स्थिति आपकी बनी है। और दूसरा जो कहने वाली बात ये है कि आज नोटि जो आपका डिसीजन है वो सिंगल बेंच में वो जारी है, कंटिन्यू हो चुका है और बहुत ही जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी कर दिया गया। तो देखिए, ये जो है आज आपको ट्यूसडे 8/12/2020 है, आप लोग पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको दिख जाएगा पीएलए नंबर 749 करके ऐसे है। और जो भारतीय हैं वो उनके मैं देखा और सोचा कि आपको ये अपडेट दे दूं, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस में अभी ये चल रहा है। आपको 3 से 4 बजे के बीच में डिसीजन मिलेगा और किसी भी हाल में उस समय आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है या स्थगित किया जा रहा है। हो रहा है तो एडमिट कार्ड आज ही जारी होगा। मेरे चैनल पे आप लोग ऐसे ही बने रहे ताकि आपको पल पल की मैं अपडेट देते रहूँगा। नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज 8/12/2020 से यह तय होगा कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आगे कब होगा ये भी कुछ हद तक 80-90% आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतने लंबे समय से आप लोग जब इंतज़ार करते आ रहे हैं तो ये भी आपको अनुमान लग जाएगा कि ये एग्ज़ाम स्थगित किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आने वाले 2 महीना 3 महीना 2 साल 4 साल 10 साल के बाद होगा एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं होगा, 2 से 3 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, ये कहने वाली बात है। भगवान से मनाइए कि 13 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो जाए। आशा करता हूँ आप लोग मेंस की तैयारी में उस आज शाम, कल शाम, परसों शाम तक लगे रहिए। परसों तक अगर कुछ नहीं आया भुला भटक के भी, लेकिन होगा तो आज ही होगा। तो अपनी कंटिन्यू को बनाए रखिए। आज कुछ नहीं हो रहा है, कल कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में लग जाइए। जिनका 66 बीपीएससी उस पर फुली डेडिकेटेड होकर मैथ रीजनिंग को छोड़ दें और केवल जीएस की तैयारी करें और एनटीपीसी में लग जाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और बहुत ही जल्द मैं 3 से 4 बजे के बीच में आपको अपडेट ज़रूर दूंगा कि क्या ऑनरेबल जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। थैंक यू। जय हिंद।